नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू में, जहां पर मिलता है आपको थोड़ा ज्ञान अबाउट ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब में वीडियो कैसे सही तरीके से अपलोड करना है क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से, और इसके साथ ही इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार गिफ्ट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं सही तरीका, और वीडियो को रैंक में कैसे लाया जाता है सही तरीके से अपलोड करके। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। ये इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अपलोड करने से पहले आपने जो वीडियो शूट किया है या फिर एडिट करके फाइनल वीडियो रखा है, तो उसको आप अपने मोबाइल से जाके पहले रीनेम कर लीजिए। उसका टाइटल आप जो रखना चाहते हैं, देखिए मेरा पहला वाला जो वीडियो है मैंने उसको ऑलरेडी रीनेम करके मैंने जो टाइटल रखना चाहता हूँ उसी से रखा हूँ। नहीं तो अगर आपका कुछ अलग से नाम है तो आप उसको रीनेम कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए। मैं क्रोम ब्राउज़र में आ गया, यहाँ पर youtube.com पे जाता हूँ और जाके पहले लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया और फिर ऊपर जो राइट साइड में थ्री डॉट तीन बिंदु दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे कर लेना। मेरा डेस्कटॉप साइट पे ऑलरेडी मैंने करके रखा हूँ पहले, ये है ये जो दिख रहा है, ठीक मैं चेंज करके आपको दिखा दूँगा। ये देखिए अभी मेरा मोबाइल वर्जन में आ गया। अब मैं इसको डेस्कटॉप मोड पर लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड यानी कि कंप्यूटर में जैसे दिखता है वैसे ही दिखेगा आपको। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा आता है, इसमें काम करने में इजी होता है। बहुत सारे फैसिलिटीज है जो मोबाइल वर्सन में नहीं हो सकता, और बहुत सारे फैसिलिटीज में जो मोबाइल वर्सन में हो सकता है डेस्कटॉप वर्सन में भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिस काम के लिए जिस वर्सन की ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, या फिर ये आप डायरेक्ट आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये ऊपर प्लस का साइन आ गया वीडियो का निशान, ये एक कॉर्नर पर मैं उसको क्लिक करता हूँ कि ये अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पर अपलोड वीडियो गो लाइव दो ऑप्शन है, मुझे अपलोड वीडियो करना है। अपलोड वीडियो करने के बाद ये देखिए सिलेक्ट फाइल्स टू अपलोड, तो नीचे लिखा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे वो फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। फिर भी बताता हूँ, नीचे देखिए पब्लिक के ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चार ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, शेड्यूल। ये चार ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज करना है। अगर आप पब्लिक रखते हो तो आप वीडियो अपलोड होते ही हर किसी को आप दिखने लगेगा, जो भी YouTube में आपका चैनल में आएगा उसको दिखने लगेगा, या फिर जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप पहले अनलिस्टेड कीजिए, जब अपलोड करते हैं तभी उस वक्त अनलिस्टेड कीजिए। अनलिस्टेड करने से फ़ायदा ये है आप वीडियो अपलोड सही तरीके से सब कुछ हो जाएगा लेकिन तुरंत किसी को दिखेगा नहीं, जिसको भी आप शेयर करोगे वो वीडियो को सिर्फ देख पाएगा, बाकी चैनल पर डायरेक्ट आके कोई नहीं देखेगा या फिर नोटिफिकेशन भी किसी को नहीं जाएगा। इसमें फिर फ़ायदा क्या होगा आपको, इसमें ये फ़ायदा है कि आप जब वीडियो अभी अपलोड करोगे सारा का सारा सेटिंग्स आप अभी नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी कुछ सेटिंग्स बाकी रहता है जो करना था, जैसे कि एंड स्क्रीन लगाना, कार्ड लगाना, वो तो कैसे करना है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी खाली आप समझ कर रखिए, अनलिस्टेड कीजिए, आप पूरा वीडियो अपलोड होने के बाद एंड स्क्रीन और कार्ड लगाने के बाद इसको पब्लिक करना है। अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है समझने के लिए तो आप डायरेक्ट वही पब्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ फाइनल, अभी मैं इसको अपलोड क्लिक करता हूँ। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें जाता हूँ। ये देखिए मुझे गैलरी में लेके जा रहा है, यहाँ से अपलोड करना है पावर डायरेक्टर, ये है मेन वीडियो। अभी देखेंगे आप जैसे कि टाइटल में जो देख रहे हैं, मैं जो वीडियो को एडिट किया था जाके मेरे गैलरी में, उसमें वीडियो रीनेम करके जो टाइटल दिया था वही ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जा रहा है। ये फ़ायदा इसमें यही अच्छा है रीनेम करने का। तो अभी मैं उसी टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसको कॉपी करता हूँ, फिर उसको क्या करना है मुझे डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिखना है, क्योंकि उसी में कीवर्ड भी छुपा हुआ रहता है।
इसलिए टाइटल में जो रहेगा उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना जरूरी है, बाकी आप जितना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर हैशटैग भी आप लगा सकते हैं, हैशटैग के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं 3 हैशटैग लगाया मुझे, उसके नीचे मैं पहले जो रेडीमेड करके जो आपको दिखाया था परमानेंट कैसे लगाना है उसमें मैंने जो लगाया था वो सब ऑलरेडी मेरा डाटा है डिस्क्रिप्शन में, और टैग में भी ऐसा ही परमानेंट टैग कुछ है मेरा, लेकिन यहाँ पर मैं भी कुछ टैग लगाना चाहूँगा जैसे इस वीडियो रिलेटेड, जैसे कि यूट्यूब का है, यूट्यूब अभी इसको टैग लगाता हूँ, टाइटल ये भी एक वर्ड आ जाएगा, टैग डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज, ये सारा का सारा मैंने अभी ऐड कर दिया। इसके बाद नीचे आपको दिखाता हूँ वीडियो को भी थोड़ा मिनिमाइज कर दूँ, कस्टम थंबनेल नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये कस्टम थंबनेल वही होता है थंबनेल जो आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में तुरंत कोई वीडियो ओपन करते हैं तो मेन उसके ऊपर जो इमेज दिखता है जिसमें वीडियो का अट्रैक्शन पॉइंट लिखा रहता है, फिर उसका कुछ इमेज दिखता है जिसको देखकर लगता है नहीं इस वीडियो में कुछ खास है हमें देखना चाहिए, उस इमेज को थंबनेल बोलते हैं, जो कि वीडियो अपलोड करने से पहले आपको पहले बना के रखना होता है, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं उसको तुरंत उसके साथ ही अपलोड करना होता है। मैं अभी अपलोड करके दिखता हूँ, उसके ऊपर क्लिक किया, अभी डाउनलोड में गया, अभी मैं गैलरी में जाके जहाँ पर भी मेरा वो इमेज है मैं उसको आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि पिक्सेल लैब यहाँ पर पहला वाला इमेज सेलेक्ट, ये भी इसके साथ अपलोड होने लगा है। अभी यहाँ पर इस साइड में देखिए राइट साइड में अनलिस्टेड, उसके नीचे ऐड टू प्लेलिस्ट, यानी कि आप इस वीडियो को जिस प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। प्लेलिस्ट आप यहाँ पर डायरेक्टली बना सकते हैं अगर पहले से बना करके उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाने से एक फ़ायदा ये होता है आप एक चैनल में बहुत सारे कैटेगरीज के वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन आप हर कैटेगरीज वाइज आप इसको प्लेलिस्ट बना लोगे तो उस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दोगे, तो अगर डायरेक्ट कोई उस प्लेलिस्ट में जाता है उस प्लेलिस्ट में उसी कैटेगरी का जितने भी सारे वीडियोज है उसको दिखने लगेगा। अब मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ, ये यूट्यूब रिलेटेड है इसलिए मैं यूट्यूब का जो है मेरा प्लेलिस्ट इसमें करके दिखाता हूँ आपको। यूट्यूब टिप्स ये देखिए ऑटोमेटिक ऐड है, अभी मुझे इसमें और कुछ करना नहीं है, ये पूरा अपलोड हो जाने के बाद मुझे डन करना है, अपलोड 96% तक आ चुका है, मुझे यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। अभी देखिए 100% हो जाने के बाद अभी प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग अभी 0% है, जब प्रोसेसिंग 100% हो जाएगा तो आपको डन पर अभी भी क्लिक कर देंगे चलेगा, उसके बाद भी क्लिक करेंगे तो फाइनल वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने पब्लिक किया होगा वीडियो को तो पब्लिक में दिखाई देगा, अगर आप अनलिस्टेड में किया होगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा अनलिस्टेड में रहेगा, बाद में आप उसको पब्लिक भी कर सकते हैं एडिट करके। मैं अभी डॉन पे क्लिक करके ही रखता हूँ, जब ये हो जाएगा फाइनली ये अपलोड हो जाएगा फिर वो वीडियो आपको आपके चैनल पर दिखने लगेगा। देखिए ये इसका URL भी अभी बन चुका है, खाली पब्लिश होना बाकी है, प्रोसेसिंग 0% है, ये जब हो जाएगा तब तो हो जाएगा। मैं सोचता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे, आगे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे टाइटल सॉरी कैसे एंड स्क्रीन लगाना है वीडियो को एडिट करके, कैसे आई कार्ड लगाना है उसके बारे में डिटेल्स में करके दिखाऊंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको गिफ्ट के बारे में बताया था, जी हाँ यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर पेटीएम कैश और फियोना के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और भी बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, ऐसे बहुत तरह तरह का प्रोडक्ट है जो कि आपको गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये गिफ्ट को पाने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, जैसे कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन है। फिर आपको वीडियो को एक लाइक करना है और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है, इतना आपको कम से कम कर देना है, और उसके बाद 5 ग्रुप या 5 लोगों को शेयर कर देना है।
ये आपका काम कंप्लीट हो गया। इस तरह 100 कमेंट और 100 लाइक हो जाने के बाद हम गिफ्ट का डिक्लेयर करेंगे, और उसी कमेंट के माध्यम से जिसमें जो कमेंट आपने किया होगा उसी कमेंट के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपका पेटीएम नंबर हो या एड्रेस हो लिया जाएगा, उसके जरिए आपको आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे लोगों को एक वीडियो से बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिल सकता है, और हमारे चैनल में हर वीडियो में एक गिफ्ट अवेलेबल है। अगर आप हमारा सिर्फ यही वीडियो देखें और बाकी वीडियो नहीं देखें तो बाकी सारे वीडियोस भी देखिए, वहाँ पर भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा एक्टिविटी और वीडियो को पूरा देखिए। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, वो तो आप एक बार कर देंगे तो चलेगा, बाकी हर जगह करना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लाइक शेयर कमेंट बाकी हर वीडियो में आप कर दीजिए,